Just before I go to give introduction about Adit Kumar, as you asked right now. Now, I would like to tell myself first. I am R.K. Shukla, teacher of Adit Kumar from Kanpur. I have been teaching English for a long period of time. As a student, Adit came to me. He was economically very weak person at that particular time. So he was having tears when he came to me. He expressed his enthusiasm, desire. He wanted to know how to speak good English. So I enrolled him. Please, I sympathized with him. आप अदित जी के कुछ करेक्टर में प्रकाश डालिएगा। हाँ, yes. कुछ बताइए। Of course, in response to your question, I would like to say that Adit Kumar has been a very good student. In my contact, whatever I found, just from very beginning to the end, up to now, I have never seen such a boy as Mr. Adit. Adit is a very industrious, very heart-touching, very soft-spoken, spiritual boy. He wants to serve the people as more as he can. This particular thing which I found in the nature of Adit Kumar surprised me very much. Because I want to tell you first, actually I am also of this nature. So this particular nature which I found in the nature of Adit Kumar surprised very much. This is why he came very closer to me. Please, क्या अदित जी जब आपके पास गांव से आए थे तब उनकी कंडीशन क्या थी? क्या आप इस बारे में समाज को बता सकते हैं कुछ? Undoubtedly, actually, Adit Kumar जब पहली बार हमसे मुलाकात हमसे संपर्क हुआ तो उस समय वो बच्चा बहुत ही कमजोर आर्थिक रूप से था. उसका यहाँ कोई भी परिचय नहीं था और बहुत ही मायूस निराशावान, लेकिन एक आशा की किरण जो हमने उनके दिल और दिमाग पर देखी तो मुझे लगा कि हमें इनको शरण देनी चाहिए. और जब मैंने आदित्य को एज अ स्टूडेंट अपने इंस्टीट्यूट में रखा तो मैंने देखा कि उसने बहुत ही ईमानदारी से, बहुत ही मेहनत से उसने काम किया. हमारे विद्यार्थियों को सुबह शाम पढ़ाता था, खुद भी पढ़ता था और करीब 5 साल उसने अथक परिश्रम किया, जिसके बारे में क्या कहा जाए और कहने के लिए कोई शब्द नहीं है. तो आई एम वेरी प्लीज्ड विद द वर्क. प्लीज एक्सक्यूज मी, मैं जानना चाहती हूँ क्या अदित जी जो ये कर रहे हैं ये समाज के लिए ठीक है? और अगर ये ठीक है तो क्या आपको लगता है कि अदित जी इससे आगे जाएंगे? अनडाउटेडली हमारा आशा ही नहीं, हमारा पूर्ण विश्वास है कि अदित कुमार जो काम कर रहे हैं ये सभी को करना चाहिए और समाज में काफ़ी लोगों को आगे आना चाहिए. इससे जो गरीब दर्जे के लोग हैं, जिनके पास आर्थिक रूप से अब पैसा नहीं है कोचिंग करने का, ट्यूशन फीस करने का, स्कूल में पढ़ने का, कम से कम वो इस माध्यम से उस गरीब बच्चों को उस बड़े लेवल तक ले जा सकते हैं जो अंतिम छोर पर खड़े हुए हैं, जिनकी मदद करने वाला शायद आज कोई दिखाई नहीं पड़ रहा है. तो अदित कुमार ने जो बीड़ा उठाया है हमें बड़ी खुशी है और हम आशा पूर्ण रूप से करते हैं कि आने वाले वक्त में अदित कुमार इस समाज को, एक जो वीकर सेक्शन समाज है, जो अछूता, जो अनटॉटन स्तर के लोग हैं, उनको बड़ी पंक्ति, आगे की पंक्ति में खड़ा करने का पूर्ण प्रयास करेंगे और सफल भी होंगे. इसी के साथ मैं कहना चाहूँ, एक बार फिर कहना चाहूँगा, अदित कुमार हमारे बहुत क्लोज हैं और मुझे बहुत याद आती है कि वैसे बहुत सारे हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे बच्चे आए, इतने सारे बच्चे आए कि हमें नाम भी नहीं याद है, लेकिन अदित कुमार ने एक ऐसा, मतलब एक बच्चा था उसने कि अपना मेरे दिल और दिमाग में जगह बना ली. इतना उसने काम किया कि हम उसको कभी जिंदगी में भुला नहीं सकते और शायद वो भी हमें नहीं भुला पाएगा, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है. तो यस, मैं पूछना चाहती हूँ, यानी आपका कहना है कि हमारे समाज को अदित जी से कुछ सीख लेनी चाहिए और उनके साथ कदम पे कदम मिलाकर उनका साथ देना चाहिए? अनडाउटेडली, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने जो किया अभी, हम बहुत खुश हैं इस क्वेश्चन से. हम ये चाहते हैं और मुझे अब पूर्ण विश्वास हो रहा है, जैसा कि अब मीडिया पर्सन ने पहल की है और आज बड़ी बड़ी पर्सनालिटी उनसे मिलने आ रही हैं, तो मुझे लग रहा है कि लोग समझ रहे हैं कि आज ज़रूरत है हमारे वो गरीब दर्जे के लोगों को आगे लाने के लिए. तो
हम ये जानते हैं कि आने वाले वक्त में आदित्य कुमार जो अपने जिस मिशन से आगे बढ़ रहे हैं, बहुत सारे और आर्थिक रूप से मजबूत लोग उनके हाथों को मजबूत करेंगे और हमारे गरीब दर्जे के लोग टॉप श्रेणी में आकर अपना नाम पैदा करेंगे। इसी के साथ हम अपने शब्दों को विराम दिया चाहेंगे। जय हिंद, जय भारत।